एक नई योजना अप्रेंटिस की आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। 1 जून से रजिस्ट्रेशन और 1 जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और टाई अप होगा उनका 1 जुलाई से उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगले साल जो बजट आएगा उसमें युवा बजट शामिल किया जाएगा, युवाओं के लिए बजट, और उसमें हम युवाओं की कल्याण की किस योजना पर कितना खर्च करेंगे उसका पूरा ब्यौरा देंगे। प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि लगातार हमारा संवाद बना रहे, आपके सुझाव आते रहे, और इसलिए युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। युवा आयोग बनेगा जो युवाओं की समस्या सुनेगा और उसके समाधान का प्रयास करेगा। स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को अगर उनके पास इनोवेटिव आइडिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए, और इसलिए ऐसे बच्चों को फंड्स की दिक्कत ना हो इसलिए 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। एक फैसला और हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा और 400 रुपया शुल्क है तो 400 पंजे अगर करें तो 2000 रुपया हो जाते हैं। अब केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में, सभी इंटरव्यूज में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए, हर नौकरी के लिए अलग अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। केवल रोजगार नहीं, अरे खेलकूद भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जोर से बोलो ना। मामा नहीं थकता, तुम थक गए क्या? तो देखो इस साल 750 करोड़ रुपए का बजट है हमारे खेल विभाग का। और मेरे बेटा बेटियों, अभी हमने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए थे, अब मध्य प्रदेश में हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। मुझे लगता है कि हम कई जॉब अलग अलग भाषाएं सीख के प्राप्त कर सकते हैं। हमारी